हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यू लक्ष्य अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही हो, फ्रेंड्स की बहुत बढ़िया सीरीज चला रखी है हम सबने, और मैं आपको करा रहा था रीजनिंग। रीजनिंग के हमारी दो क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर आपके लगभग 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, है ना। आज दो चैप्टर और करेंगे। आज हम करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन अपना, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, और हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये दो चैप्टर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में लगभग हमने 40% 45% सिलेबस खत्म कर दिया है, ठीक है। दो एक क्लास आएगी आपकी नॉन वर्बल की, जिसके अंदर पूरा नॉन वर्बल पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एक क्लास में लूंगा जिसमें सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, सिमिलर सेट, ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एक क्लास लगेगी जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग वाले क्वेश्चन ये आ जाएंगे। एक क्लास में डायरेक्शन, और मतलब आपका पूरा का पूरा, ये मानो 10 क्लास में जो प्लान कर रखा है, उसके अंदर आपका पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। 11 से 15 तारीख के बीच में आपके प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, जो भी आपका फरवरी में पूछे हुए थे किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आपका वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन दोस्तों होता है क्या, देखो वर्ड फॉर्मेशन की 2-3 टाइप है, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ 2-3 टाइप है। कैसे करना आपको ना, आपको देखो, आपको बस एक जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, इसमें इसमें ये बोलेगा आपको ना, एक वर्ड दिया हुआ है ये वाला, है ना, ये वर्ड दिया हुआ है आपको, इस पे बोलेगा कि ना इस वर्ड को बिल्कुल, ये वर्ड जो दिया हो ना, इससे आपको 4 ऑप्शन दिए हो, ये बोल रहा है इनमें से आपको अल्फाबेट ढूंढने हैं, इनमें से अल्फाबेट ढूंढना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अक्षर नहीं, देखो लिखा हुआ है नहीं 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 बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसने अगर बोला है कि बनाया जा सकता है तो आप बनाया जैसा ढूंढना है, और नहीं बनाया जा सकता तो आपको वो अक्षर ढूंढना है जिसके अंदर नहीं बनाया जा सकता, उस तरीके से। अब देखो दोस्तों, वो करते कैसे है। पहला ऑप्शन देखा आपने, LIT, क्या L है इसमें, बिल्कुल है, I है, बिल्कुल है, T है, बिल्कुल है, E है, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन बनेगा, ये क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए, अगला क्या बोल रहे हैं, ABLE, ये भी बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है। अगला चलिए, LIKE है इसमें, देखो K कहीं भी नहीं है, मेरे ख्याल से K तो कहीं भी नहीं है, K कहीं भी नहीं है, तो K वाला क्या हो गया ऑप्शन का, तो मतलब यही ऑप्शन था आपके पास जो नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब मैं इसमें आपको चीज बताना चाहूंगा, मान लो यहाँ पर आपको एक बार वाइट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर के नहीं होता दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर ई होता, तो क्या अब ये अक्षर बनाया जाता इसमें से, है ना। तो आधे बच्चे कहेंगे हाँ बनाया जाता, क्योंकि ई भी है इसमें, है ना, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्या 2 ई इसके अंदर आ रहे हैं, क्या इसके अंदर 2 ई है, मेरे ख्याल से 1 ही ई है, दूसरा ई तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो बस, तो फिर ये वाला ऑप्शन इस तरीके से काट सकते हो। ये एक पॉइंट था जो मेरे को बताना था आपको, कि अगर अल्फाबेट अगर 2 है ना, तो इसके अंदर भी 2 अल्फाबेट होने चाहिए तभी बनाया जाएगा, वरना नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात, आगे चलते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ये वाला, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बनाया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो बस आप देखो, FROM बिल्कुल बनाया जा रहा है ये, तो ACTION, AC, C कहीं भी नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया, तो ठीक है, ये सी कहीं भी नहीं दिख रहा ना, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा तो जरूर बताओ, ठीक है, मेरे को तो नहीं दिख रहा सी, तो बस इसका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सेकंड, कि सी नहीं है तो ये अक्षर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, अब ध्यान से पढ़ना, इस वाले में क्या बोल रहा है, कैन बी फॉर्म्ड, कि कौन सा अक्षर बनाया जाएगा, कौन सा अक्षर बनाया जाएगा, ये आपके पास पूरा वर्ड है, ठीक है, आपको देखना है कौन सा अक्षर बनाया जाएगा, ठीक है, मैं पहले ये उठा लेता हूँ, कौन सा उठाऊँ, चलो जो सा भी रैंडम उठा लेता हूँ, ये वाला उठाता हूँ, COASIS तो मेरे को दिख गया, O भी दिख गया और A भी दिख गया, तो ये तो बनाया जाए, तो देखो इसने क्या बोला था, कौन सा बनाया जाएगा, मैंने ये वाला ऑप्शन उठाया तो मुझे सिंपल सा दिख गया, यही वाला मेरे को बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको टिक करके आ जाओगे आप इनको भी चेक कर सकते हो, ये नहीं बनाया जाएगा, देखो 2 O है, 2 O है, बिल्कुल है, टी है, 2 T है, T है, 1 T है, दूसरा टी तो नहीं है, है ना, तो ये तो नहीं बनाया जाएगा ना, कट कर दोगे, तो यही वाला ऑप्शन होगा इसका, आपकी बात समझ मेरे ख्याल से आ रही होगी आराम से ना। वर्ड फॉर्मेशन इसी टाइप का है, इसके अगले टाइप पे चलेंगे। अब ये इसकी अगली टाइप है, देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कौन करेगा जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, जिसको मीनिंग बनाने आते हैं, वर्ड बनाने आते हैं, वर्ड समझने आते हैं, तो उस तरीके से जैसे इसने क्या बोला है, इसने बोला आपके पास 4-5 अल्फाबेट है, RACEE, जैसे कि मैं ऐसे करके बोलूं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, एक जैसे कि एग्जांपल दे, जैसे कि मैंने ये एक लिख दिया, ठीक है, और इनकी नंबरिंग दे दी, एक पे, ये दो पे, ये तीन पे, चार पे, पांच पे, आपको समझ में आ गया कि इससे बनाया गया विकास, VIKAS, बिल्कुल सही है, वी वाला वर्ड कौन सा था, 2 नंबर पे,
ठीक है, आई वाला कौन सा था एक पे, के वाला कौन सा था तीन पे, ए वाला कितने पे था चार पे, एस वाला कितने पे था पांच पे, तो इसकी नंबरिंग के हिसाब से क्या बना ये वाला। तो उसी तरीके से आपको क्या बताना है, ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा बन रहा है आपका, क्या बना सकते हो। अगर देखो आपको इससे समझ में आ जाए कि क्या लेटर बन रहा है, क्या मतलब वर्ड बन रहा है, ठीक है, तो आप कर लो, नहीं तो आप बाय ऑप्शन चले जाओ। मैं फोर्थ ऑप्शन उठाता हूँ, ठीक है, पांच पे कौन सा आपका टी है ना, एक पे कौन सा आपका आर, कोई दिक्कत नहीं है, दो पे कौन सा आपका ए, उसका तीन पे कौन है सी, और फोर्थ क्या आपका ई, तो देखो क्या बन गया, ट्रेस बन गया, ट्रेस है ना, वर्ड होता है बिल्कुल, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन में भी लगा के देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये तो कोई वर्ड बन सकता है, सबको पता चल जाता है कि ये तो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, है ना, इस तरीके से कर सकते हो आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बनाया जा सकता है बताओ आप, जो मेरे ख्याल से आपको दिखते ही पता चल गया होगा कौन सा है, पीईएन है ना, ये क्या बन रहा है मेरे को, हाँ पेंसिल बन रही है, देखो PENCIL है ना, पेंसिल बन रही है, आराम से पेंसिल, तो बस देख लो PEN, मैं वर्डिंग नहीं लिख रही, मैं वर्डिंग लिखना भूल गया इसमें ना, बस आप देख लेना कौन सा आपका बन रहा होगा ना, आप एक दो नंबर से ले लो, एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से ले लो आप, तो पी नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे दो ऑप्शन है, ठीक है, पी के बाद PE चार पे आएगा, चार ये वाला चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, फिर PEN बिल्कुल सही चल रहा है, छः छः बिल्कुल सही है, अब देखो सी आएगी, बिल्कुल आएगी सी आएगी, उसके बाद क्या आएगा PENCIL, IL, IL ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट हो गया इसका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन बनाना है ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही है, किस तरीके से आप इसको बनाते हो एक बार देखो, इसमें आपको दिख गया होगा पजल, ये बन रहा है क्या बन रहा है, पजल बन रहा है, ठीक है, तो आराम से इसको पुट करके आराम से आप बना सकते हो क्या बन रहा है, पजल बन रहा है, ठीक है, तो ये था आपका वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो एक और टाइप इसकी कैसे बनती है, देख लो बस तीन टाइप है, ज्यादा नहीं है, आराम से बना दो, जो मैंने पहले वाली टाइप बताई ना आपको, कौन सा नंबर बनाया जाएगा, कौन सा उसमें से अल्फाबेट जो निकालने थे, वही वाला इंपॉर्टेंट है, वो वाला थोड़ा ध्यान रखना। अब इसने बोला कि आपको इससे बनाने कितने वर्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्या एक भी नहीं है, क्या एक है, क्या दो है, क्या तीन है, तो मुझे इसमें दिख रहा है कौन कौन सा दिख रहा है, आपने देखा कि भैया NEAR नियर, एक तो ये दिख रहा है, एक दिख रहा है EARN है ना, अर्ड, ये दो वर्ड मुझे दिखे थे इसमें, तो दो इसका आंसर सही हो जाएगा, इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है चले आगे। चलिए बस यही था, देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, है ना, अब मैं जितने क्वेश्चन दूंगा आप आराम से कर दूंगा, मैं चाहता हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपका ये सिलेबस तो ये मैंने कवर कर लिया, बता प्रैक्टिस सेट लगाओ, जब आप 11 से 12 आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, है ना, तो आपको ये पता रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता रहेगा भाई ये क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन का, ये क्वेश्चन डिक्शनरी का, ये है ना, ज्यादा क्वेश्चन करवा कर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अगला चलते हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको अल्फाबेट याद करने पड़ेंगे, तो एक बार अल्फाबेट देख लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है। चलिए दोस्तों याद करते हैं अच्छी तरीके से, जिन जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हल्की सी मेरे को लग रहा है ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो रही है कैमरे की, एक बार कम कर लेते हैं, अब ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ए कितने पे होता है सबको पता है, ए बी सी और डी, 1 2 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, चार हो गए। अब ई जो टी याद रखना क्या दोस्तों, ई जे ओ टी वाई, ठीक है, 5 10 15 20 और 25, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यार, T20 पे होता है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया ई कितने पे था, ई जो टी वाला 5। एफ में आपने देखा एफ, एफ एक कंप्यूटर बटन होता है जिसका नंबर होता है F6 होता है, ठीक है, F6 पे होता है, क्या जी को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, देखो जी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे जी, जी क्या बन गया, देखो G7 नहीं बन गया, G7 एक होता है ग्रुप ऑफ 7, ऐसे करके भी कुछ होता है ना, तो आप याद रख सकते हो जी कितने पे हो गया, 7 पे हो गया। एच, एच को देखो ये एच है ना, इसको यहाँ से बंद करो, यहाँ से बंद करो, क्या 8 बन गया, बिल्कुल 8 बन गया, तो एच कितने पे होगा, 8 पे होगा। आई कितने पे होगा, 9 पे, है ना, ऐसे नहीं बोलते आई नो वेरी वेल, आई नो आई नो आई नो, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्या है, जे हो गया आपका 10 पे, के कितने पे हो गया दोस्तों, के हो गया आपका 11 पे, है ना, किंग रेयान पंजाब ऐसे याद कर लो। एल हो गया 12 पे, लव, लव किसके बीच में होता है, एक दोनों के बीच में होता है। एम देखो, एम ऐसे 3 लग रहा है ना मुझे, 3 इसका आगे लगा दो 13 बन गया। डब्ल्यू ऐसे है ना उल्टा सा 23 बना दो, थोड़ा बड़ा है, तो बस एम हो गया आपका 13 पे, डब्ल्यू हो गया आपका 23 पे, ठीक है। एन कितने पे हो गया, एन 14, याद रखना, वो आपको याद करवा दिया 15 पे। पी से रखो प्रियंका चोपड़ा,
16 साल में बन गई थी अपने, वो मिस इंडिया जो भी थी। अकबर क्यों से होता है क्वीन, 17 रानियां रखता था अकबर, 17, आर से 18, एस से 19, टी से T20 का मैच, 21 और 22 की अल्ट्रा वाले बहुत भयंकर होते हैं, 21 22, 24 25, ये कितना हो गया 26। क्लियर है सारे अल्फाबेट? अगर ये अल्फाबेट आपको याद है तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा उल्टा भी देख लेते हैं है दोस्तों, अब थोड़ा सा उल्टा भी देख लेते हैं कि उल्टा कैसे होता है। देखो ए का, अब मुझे एक चीज बताना, जैसे मुझे बताना है ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा क्या होगा, देखो दोस्तों एक एक पे होता है जेड, इसका ना लास्ट होता है, तो कितना होता है 26, इन दोनों को जोड़ के आपको कितना आ रहा है 27। जिन भी किसी दो अल्फाबेट का जोड़ 27 बन रहा है वो उसका उल्टा होगा। अब मान लो मुझे निकालना है पी का उल्टा क्या होगा, है ना, पी का उल्टा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आपको पता है जोड़ कितना 27, पी कितने पे आता है 16 पे, 16 इसमें से घटा दो कितना आ गया 11, तो 11 पे कौन होता है के, तो पी का उल्टा कौन होगा के होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको निकालना हो 27 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ कुछ है जो मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो ए का उल्टा जेड होता है बिल्कुल, बी बाय, बाय बोलते हैं ना, बी बाय रख लो है, और क्रैक्स, क्रैक्स हम खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स सी एक्स, दूध वाला, दूध वाला बिल्ली वाला याद रख लो, फन हो गया फन, एफ यू एन होता है ना, एफ यू याद रखो बस। ठीक है, जी टी रोड इस तरीके से याद रखो, ये याद करने के बस थोड़े बहुत याद कर लो आप। ठीक है, चलिए आगे जाओ, चलिए और भी है क्या हमारे पास, नहीं ये। अब देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको किस तरीके से क्वेश्चन से पूछी जाएगी, बस एक ही चीज याद रखना दोस्तों कि अगर आपको अल्फाबेट याद है, क्या है, अगर आपको अल्फाबेट याद है तो ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, अल्फाबेट जितनी जल्दी याद कर लेना ताकि क्वेश्चन करने जब प्रैक्टिस सेट करो 11 से 15 के बीच में तो आपको सारे याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है आपको कैसे कैसे पूछा जाएगा, मान लो जैसे कि मैं आपको दे देता पी ओ एम, ये मैंने लिख दिया और मैंने इसका लिख दिया 16 15 13, इस तरीके से रियल नंबर बिल्कुल जो इनका नंबर है वही लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कर सकता है, क्वेश्चन इसको बढ़ा के भी दे सकता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख देता 17 16 और 14, इस तरीके से क्या करा, एक बढ़ा के दो बढ़ा सकता है ऐसे, एक टाइप ये बनती है इसकी, दूसरी टाइप क्या बनती है, स्क्वेयर की टाइप बनती है। स्क्वेयर की टाइप कैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख दिया पी ओ के एम सी, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसके बाद लिख दिया 25, फिर मैंने लिख दिया एम टी यू एन, फिर मैंने लिख दिया 16। तो मैं आपसे पूछूंगा मुझे बताओ ओ पी एन क्या होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जितने भी अल्फाबेट है उसका स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर कर दिया, इसका क्या कर दिया स्क्वेयर कर दिया, तो आप इसका स्क्वेयर कर दोगे, 3 है अल्फाबेट तो इसका स्क्वेयर क्या होगा 9। ठीक है, तो स्क्वेयर इस तरीके से बन सकता है। क्यूब का क्या होगा, क्यूब बना देगा, ऐसे ही करके क्यूब बना देगा। और एक चीज और देखो, जैसे कि मैंने 25 लिखा ना, क्या कर देगा, या तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा 50 लिख देगा, इसकी 2 से कर देगा 32 लिख देगा, है ना, तो आप भी क्या करना है इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना 18 लिख देना ऐसे, तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है, कुछ भी करके कर सकता है। मैं ना बिल्कुल है ना इसमें कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल बता सकता कि यही क्वेश्चन बनेगा, बस मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि इन टाइपों से 90% है कि इन्हीं टाइपों से आ जाता है क्वेश्चन, बाकी 10% अगर कोई मुझे भी क्वेश्चन देगा कुछ अपनी तरफ से बना के कुछ भी जोड़ दिया, प्लस माइनस करे कुछ भी जोड़ दिया, तो मुझसे भी नहीं लेगा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथी टाइप हमारी क्या कहती है, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है, मान लो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूं आपको, इसको मैंने लिख दिया ये, ठीक है, तो मैं आपको पूछता हूं मुझे बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो आपने देखा पी कितने पे होता है, पी होता है 16 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, ये 20 पे, तो इसने क्या करा भाई, इसने क्रॉस पैटर्न कर दिया, इसने ऐसे करके लिखा हुआ है ना 20 14 15 और 16, तो इसने ऐसे ऐसे कर दिया है ना, ये देखो क्रॉस पैटर्न बना दिया, तो आप भी 20 को यहाँ ले आओगे 20, ओ को 15 कर दोगे, ये 11 कर दोगे और ये एम कर दोगे 13, तो बस की वैल्यू लिख दो टी, ये आपका होता है के, ये होता है आपका एम, डी होता है ओ, तो इसको इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग अभी खत्म है, वर्ड फॉर्मेशन आपको करवा दिया, अगली वीडियो में आपको मैं जितने भी नॉन वर्बल में जितने भी मिनट इमेज, फोल्डिंग पेपर, ये सीरीज नंबर, वो फिगर की सीरीज जो चलती है, 5-7 टॉपिक है, वो सारे के सारे निपटा देंगे। ठीक है,
और अगली वीडियो में फिर सीरीज कर लेंगे, और उसके अगली वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट, ये मतलब आपका 10 वीडियो में, जैसे मैंने बताया 10 वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा रीजनिंग कवर करके दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो दोस्त आप वर्दी लेना चाहते हो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिनको थोड़ी हेल्प। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही।